Hello and welcome to Lavneesh sir ki class. This is State Council of Educational Research and Training reading campaign activity sheet number 25 and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject English and children you will have to do this work in your English notebook. Pyare bachchon, aapko is kaam ko apni English ki notebook mein karna hai. This worksheet is based on the story when we face a difficult situation. यानी कि जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमें किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए. So without wasting our time, let's start and understand with me. There was a girl named Supriya who lived with her parents in a village. तो एक गांव में सुप्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी. वन डे हर फादर गेव हर अ सिंपल टास्क. एक दिन उसके पिता ने उसको एक बहुत ही आसान सा काम दिया. क्या काम दिया, चलिए देख लेते हैं. ही टुक थ्री वेसल्स फिल्ड विद वॉटर. उन्होंने तीन पानी से भरे हुए बर्तन लिए. ही प्लेस्ड एन एग इन वन वेसल, अ पोटैटो इन द सेकेंड एंड सम टी लीव्स इन द थर्ड. उन्होंने पहले बर्तन में एक अंडा डाला, दूसरे बर्तन में एक आलू डाला और तीसरे बर्तन में कुछ चाय की पत्तियां डाली. वेसल का मतलब बर्तन होता है. ही आस्क्ड सुप्रिया टू कीप एन आई ऑन द वेसल्स व्हाइल द थ्री आइटम्स बॉइल्ड. उन्होंने सुप्रिया को कहा कि जब ये तीनों आइटम्स उबल जाएंगे, उबल रहे होंगे, तो आपको इसको ध्यान से देखना है. बहुत आसान सा काम है ना. आफ्टर दे बॉइल्ड, जब वो बॉइल्ड हो चुके यानी जब वो उबल चुके तीनों आइटम, ही आस्क्ड सुप्रिया टू पील द पोटैटो एंड एग. उन्होंने सुप्रिया को कहा कि वो आलू और अंडे को छीले एंड स्ट्रेन द टी लीव्स, और जो चाय की पत्ती थी ना उसे छान ले. सुप्रिया वॉज लेफ्ट पजल्ड. सुप्रिया थोड़ी सी पजल हो गई, हैरान सी हो गई, मतलब कि सोच में पड़ गई कि आखिर क्या है. शी अंडरस्टूड हर फादर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग बट शी डिडंट नो व्हाट इट वॉज. उसने ये समझा कि उसके पिता उसे कुछ समझाना चाहते हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आखिर वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं. हर फादर एक्सप्लेन, तब उसके पिता ने समझाया. क्या समझाया? ऑल थ्री आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर. देखो, तीनों की तीनों आइटम्स को हमने उबलते हुए पानी में डाला. सी हाउ दे हैव बिहेव्ड डिफरेंटली. तो आपने देखा कि भाई उन्होंने किस तरह के से तीनों ने अलग अलग बिहेव किया, अलग अलग उनका व्यवहार था. डाला तो हमने बॉइलिंग वाटर में ही, लेकिन तीनों का बिहेव कैसे अलग था, तीनों का व्यवहार कैसे अलग था. ही सेड दैट पोटैटो टर्न्ड सॉफ्ट. उन्होंने क्या कहा, जो एक पोटैटो था वैसे तो वो हार्ड होता है, लेकिन जब हमने उसको बॉइलिंग वाटर में डाला तो वो सॉफ्ट हो गया. एंड द एग टर्न्ड हार्ड. और एक जो अंडा था, एग था, वो उबलने के बाद कैसा हो गया, हार्ड हो गया. एंड द टी लीव्स चेंज द कलर एंड टेस्ट ऑफ द वॉटर. और जो टी लीव्स थी उन्होंने क्या कर दिया, पानी का रंग भी बदल दिया और उसका टेस्ट, उसका स्वाद भी चेंज कर दिया. ही फर्दर सेड, यानी उन्होंने आगे कहा, फर्दर का मतलब और आगे, वी आर ऑल लाइक वन ऑफ दीज आइटम्स. हम सब इनमें से एक आइटम की तरह होते हैं, हम सब. वेन वी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन We should also choose how to behave. और जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं ना, तब हमें इनमें से ही या अपने हिसाब से ये चीज़ करनी चाहिए कि हमें कैसे बिहेव करना है. या तो हम उसके प्रति बिल्कुल हार्ड हो जाएं, उसको जो है कुछ समझे ही ना, सॉफ्ट हो जाएं, या उसको पूरा ही बदल के रख दें और उस परिस्थिति को बदल के रख दें और उसका सामना बहुत आसानी से कर लें. तो अब आपको समझ में आया कि जब भी हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करें तो हमें खुद से ये सोचना होगा कि हमें उस परिस्थिति का सामना कैसे करना है और उस परिस्थिति में हमें कैसा बिहेव करना है. हमें उससे डर जाना है या उसका मुकाबला करना है या उस परिस्थिति को ही चेंज कर देना है अपने अकॉर्डिंग.
अब आप समझे ना? तो चलिए अब हम चलते हैं इसी पर कुछ बेस्ड एक्टिविटीज पर. नाउ विल मूव ऑन द एक्टिविटीज विच आर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. फर्स्ट एक्टिविटी इज अंडरलाइन द सेंटेंसेज स्पोकन बाय सुप्रियाज फादर. यानी सुप्रिया के पिता ने जो जो सेंटेंस बोले आपको उसको अंडरलाइन करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है. याद रखना, कॉपी में भी लिखना है. सो लेट्स सी. तो देखिए उसके पिता ने क्या क्या बोला था. एक तो ये, ही आस्क्ड सुप्रिया टू कीप एन आई ऑन द वेसल्स व्हाइल द थ्री आइटम्स बॉइल्ड. फिर उसके बाद है, हर फादर एक्सप्लेन ऑल थ्री आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर, सी हाउ दे हैव बिहेव डिफरेंटली. ही सेड दैट द पोटैटो टर्न सॉफ्ट, द एग टर्न हार्ड एंड द टी लीव्स चेंज द कलर एंड टेस्ट ऑफ वाटर. ही फर्दर सेड, वी आर ऑल लाइक वन ऑफ दीज आइटम्स. व्हेन वी फेस अ डिफरेंट सिचुएशन वी शुड ऑल्सो चूज हाउ टू बिहेव. तो ये चीज़ें उसके फादर ने कही थी. आपको इसको अपनी इंग्लिश की कॉपी में नोट डाउन करना है. देन सेकेंड एक्टिविटी इज मैच द फॉलोइंग. देखिए एग क्या हो गया था बताइए. एग को आप किससे मैच करोगे? टर्न हार्ड. पोटैटो क्या हो गया था? टर्न सॉफ्ट. और टी लीव्स ने क्या किया था? चेंज कलर. वाटर का कलर चेंज कर दिया था. अब एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बहुत ही क्रिएटिव एक्टिविटी है. आपको उसको बहुत ध्यान से करना है. रीड द कन्वर्जेशन बिटवीन जाकिर अ रिपोर्टर, सुप्रिया एंड सुप्रियाज फादर. अब आपको नीचे एक वार्तालाप दिया गया है, बातचीत दी गई है, जो कि जाकिर, सुप्रिया और सुप्रिया के पिता के बीच में. कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो. अब आपको यहाँ जो कुछ डायलॉग्स खाली स्थान दे रखा है ना, उन्हें आपको पूरा करना है. कि जाकिर जो कि एक रिपोर्टर है, पहले वो सुप्रिया से क्या पूछता है उसके डायलॉग को पूरा करना है, फिर वो सुप्रिया के फादर से क्या पूछता है वो डायलॉग्स को पूरा करना है. सो लेट्स ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी. तो सबसे पहले जाकिर टू सुप्रिया, यानी जाकिर जो रिपोर्टर था उसने सुप्रिया से पूछा. जाकिर ने कहा, व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू, आपके पापा ने आपको क्या काम दिया. तो सुप्रिया सेड, ही आस्क्ड मी टू, इसको पूरा करना है. उन्होंने क्या कहा था उसके फादर ने उसको, तो क्या आ जाएगा? ही आस्क्ड मी टू कीप एन आई ऑन द वेसल्स व्हाइल द थ्री आइटम्स बॉइल्ड. यानी उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जब वो तीनों आइटम उबल रहे हों तो उन बर्तनों पर नजर रखूं. ठीक है. अब जाकिर ने क्या पूछा जिसका आंसर सुप्रिया ने दिया, कि आई पील द पोटैटो एंड एग एंड स्ट्रेन द टी लीव्स. तो क्या उसने पूछा होगा, इस क्वेश्चन को हमें पूरा करना है. तो फिर जाकिर ने पूछा होगा कि वॉट डिड यू डू आफ्टर दे बॉइल्ड. दे आएगा यहाँ पर. ठीक है, आफ्टर दे बॉइल्ड. तो आपने क्या लिखना है, जाकिर ने क्या पूछा, वॉट डिड यू डू आफ्टर दे बॉइल्ड. आपने उनको उबलने के बाद, फिर उनके उबलने के बाद आपने क्या किया. तो सुप्रिया ने आंसर किया, आई पील द पोटैटो एंड एग. मैंने पोटैटो और एग को छीला और एंड स्ट्रेन द टी लीव्स, यानी टी लीव्स को छान लिया. ठीक है. अब जाकिर टू सुप्रियाज फादर. अब जाकिर जो एक रिपोर्टर था, फिर उसने सुप्रिया के फादर से क्वेश्चन किया. जाकिर ने कहा, व्हाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉइल द थ्री इंग्रेडिएंट्स. आपने अपनी बेटी को इन तीनों चीजों को उबालने के लिए क्यों कहा. तो उसके फादर ने क्या आंसर दिया, तो देखो उसके फादर ने क्या कहा, कि आई ट्राइड टू एक्सप्लेन माई डॉटर दैट हाउ पीपल बिहेव डिफरेंटली इन सेम सिचुएशन. यानी मैंने अपनी बेटी को यह समझाने की कोशिश की कि एक ही सिचुएशन में, एक ही परिस्थिति में लोग किस तरह से अलग अलग बिहेव करते हैं. फिर जाकिर जो कि रिपोर्टर है, उसने बोला कि भाई वाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशंस. तो उसने कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम सब एक ही सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं. देखो उसके फादर ने जवाब दिया, We are all like one of these items. These items कौन से? Potato, egg और tea leaves की तरह. That's why we behave differently in similar situations. क्योंकि हम सब जो लोग हैं वो इन्हीं items की तरह हैं. कैसे? Egg की तरह, जो कि hard हो जाता है boil होने के बाद, और potato की तरह जो कि soft हो जाता है, और tea leaves जो कि पूरे सबको उसका taste ही change कर देती हैं, color change कर देती हैं. तो हम सब इसलिए similar situation में अलग अलग बिहेव करते हैं. इस तरह से हमें इसको पूरा करना है. अब आपको समझ में आया? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू गो आउटसाइड,
प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।